कैसे हो आपके आशीर्वाद रूपों वाली की दया से मैं बिल्कुल टनाटन हूँ। सच में तुम तो बिल्कुल टनाटन लग रहे हो। ये है अंजलि, जोजो। नमस्ते, नमस्ते। अंजलि मेरी पत्नी, आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। सामान तो कुछ लेकर आकाश बाबू इस तरफ से आइए। आइए, बड़े बाबू का फोन आया था, बोल रहे थे कि आप शादी के बाद हनीमून के लिए यहीं पर आएंगे। आइए। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पे इसी जगह को चुना। बहुत अच्छा किया आपने, आप बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए हैं। हाँ, हायर स्टडी के लिए मैं फॉरेन चला गया था। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए मैं इस जगह को काफी मिस कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है अंजलि। यस, एक बात कहूँ बाबूजी आपसे, आप बिल्कुल अच्छे समय पर आए हैं। इस समय यहाँ का मौसम बिल्कुल टनाटन रहता है, मतलब ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मौसम है हनीमून के लिए खासकर। वाह आकाश,
तुम्हारा फार्म हाउस तो कितना बड़ा और कितना सुंदर है। अंजलि, मेरा फार्म हाउस नहीं, इसे हमारा फार्म हाउस कहो। ये फार्म हाउस जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। राइट आकाश बाबू, अब मैं चलता हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, एनीथिंग, आप मुझे बुलाना, मैं ऊपर से तुरंत आ जाऊंगा आपके लिए, ठीक है? अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। हाँ ठीक है बाबूजी। अंजलि चलो चलते हैं। चलो। यस। वेलकम। वाओ, सो ब्यूटीफुल रूम। व्हाइट, माय फेवरेट कलर। आई लव इट। और मैं? तुम तो मेरी जिंदगी हो। I love you too, Anjali. Not now. सफर करने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। फ्रेश होकर आती हूँ। Okay, baby. करंट लगा रे, मैं ना चाहता तुझको करंट लगा रे। जोजो, हाँ बाबू जी बोलिए ना। नहीं कुछ नहीं। अरे बाबूजी क्या कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर हूँ। मैं हूँ ना यहाँ पर बाबूजी। अंजलि, बाहर तो कोई नहीं है, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। बाय द वे, माय वाइफ इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मन करता है कि तुम्हारे साथ मैं भी बाथरूम में नहाऊं। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ नहाओगे? तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्या? डार्लिंग, प्यार का मजा लेने के लिए हमें बेशर्म बनना पड़ता है, और मैं इस मौके को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता हूं। अंजलि, तुम भले ही किसी और की हो गई होगी, मगर मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। तुम ही थी, तुम ही हो और तुम ही रहोगी। तुम्हें पाना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और इसके लिए आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। यस, I can go. I love you, my love. I love you. Anjali. तुम्हारा चेहरा पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, और तुम्हारी आंखें झील की तरह है। मन करता है कि तुम्हारी झील से गहरी आंखों में जिंदगी भर डूबा रहो। और
और मैं तुम्हें अपनी बाहों में कस के पकड़ कर ओहो इस लाइट को भी अभी जाना था। रुको मैं देख के आता हूँ। I love you, Anjali. Anjali. I love you, Anjali. अंजलि क्या हुआ? मुझे खिड़की से देख रहा था, वो मुझे आई लव यू कह रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है आकाश। तुम बिल्कुल मत डरो अंजलि, अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुको मैं देखता हूँ, आ जाओ। तुम बिल्कुल मत डरो। आकाश आकाश ये देखो वो इस तरफ आ रहा है कमरे की ओर। रुको मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ तुम हेर को मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ आकाश बाबू? नहीं कुछ नहीं, यहाँ की लाइट चली गई ना इसलिए। ओहो यहाँ पर लाइट एक बार चली जाए तो कब आएगी इसका पता तो भगवान भी नहीं बता सकता आपको। आप एक काम कीजिए, इसको पकड़िए, इसे अपने पास रखिए। हाँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाइएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है ना आकाश बाबू? हाँ, अब आप अंदर जाइए। आकाश अंजलि जो जो आया था कैंडल देने के लिए, तुम बेकार में डर रही हो। अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। चलो सो जाते हैं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। शायद गाड़ी खराब हो गई है, रुको मैं देखता हूँ क्या हुआ। कुछ दे दो मैम साहब। आकाश हेलो, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? नहीं साहब, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गैरेज है, आपको वहां जाना पड़ेगा। भगवान आपका भला करे साहब। अब हम कैसे जाएंगे आकाश? डोंट वरी, मैं कोई इंतजाम करता हूँ। I'm आकाश माथुर। Hi, myself राज मल्होत्रा। मल्होत्रा आप दिल्ली से हैं? हाँ दिल्ली से हूँ। Nice to meet you। Nice to meet you too। मसूरी जैसी खूबसूरत जगह पर अपने दिल्ली के आदमी से मिलकर बहुत खुशी हुई। Thank you। क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी? Actually मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मुझे आगे मार्केट तक छोड़ देंगे? अच्छा अरे भाई अगर एक दिल्ली वाला दूसरे दिल्ली वाले के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? सही कहा ना? आप गाड़ी में बैठिए, मैं मैकेनिक को कॉल कर देता हूँ। फिक्र मत कीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। ओके या। आ जाओ।
राज, राज मुझे लगता है तुम्हें दर्द भरे गीत सुनना बहुत पसंद है ना? एक्चुअली मैं लाइफ में अकेला हूँ इसीलिए दर्द भरे गीतों को पसंद करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई इसीलिए सिंगल हो, am I correct? Yes, absolutely. तुम करते क्या हो राज? क्या? I mean, मैं पूछ रहा था कि तुम काम क्या करते हो? मैं भी अपने काम के बारे में ही बता रहा था। मैं अपना दिल खोल के प्यार करता हूँ। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, पर मेरे लिए मेरा प्यार ही मेरा सब कुछ है। और मैं ऐसा सोचता हूँ, जिसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है ना, वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राज, तुम हमें यहाँ ड्रॉप कर दो। यहाँ? हाँ ठीक है, रुकता हूँ। तुम्हारे साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कि हम कब यहाँ आ गए। थैंक यू राज। राज, तुम बहुत कमाल के और खुश मिजाज इंसान हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट हम जब तक यहाँ हैं कभी कभी हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। या श्योर। थैंक यू राज। नाइस मीटिंग यू। अंजलि चलो, चलो चलते चलते हैं। लेकिन क्या आकाश? ये बादल, ये आसमान, ये खूबसूरत वादियाँ तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूँ अंजलि। पक्का? तुम्हारी कसम, मैं सच कह रहा हूँ। से मिले जो नजर फिर हटती ही नहीं, तुझसे मिले जो नजर फिर हटती ही नहीं। तूने
जिंदगी में और कुछ भी नहीं है अंजलि। तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा स्वर्ग हो। तुमसे मेरे दिन की शुरुआत होती है और तुम ही मेरी रात की चांदनी हो। मेरे दिल में, मेरी धड़कन में सिर्फ एक ही नाम लिखा है, जानती हो किसका नाम है? अंजलि। तुम्हें नहीं पता अंजलि, खुले बालों में तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। तुम्हारे इन घने बालों ने मुझे पागल कर दिया है अंजलि, सच कह रहा हूं। आई लव यू अंजलि, आई लव यू, आई लव यू। मजाक दोबारा मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है अंजलि, फिर कभी नहीं करूंगा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अंजलि, तुम्हारा मन, तुम्हारा तन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मेरे सिवा अगर किसी ने तुम्हें छुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। yeah!
वो लड़का मुझे बेडरूम से दूसरे कमरे में लेकर जा रहा था। अच्छा तो वो लड़का तुम्हारे सपने में भी आने लगा? मुझे तो लगता है कि वो लड़का तुम्हारा बहुत बड़ा दीवाना है। आकाश तुम्हें मजाक लग रहा है। अंजलि अरे ये बस तुम्हारे मन का एक वहम है, इसे दूर करो और चुपचाप सो जाओ। सो जाओ तो कल हम लोग घूमने चलेंगे। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सो जाओ, कल हमें घूमने जाना है। गुड नाइट। अंजलि, आकाश, आकाश, मुझे लगता है कमरे के बाहर कोई है, मेरा नाम लेकर आई लव यू कह रहा है। अंजलि, आई लव यू वो नहीं, मैं कह रहा था। What? तुम कह रहे थे? हाँ, मैं। लेकिन तुम तो सो रहे थे। अरे बाबा, सपने में कह रहा था, तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हो ना, मेरी जान हो, अपने मन का वहम दूर करो और सो जाओ। चलो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो। सो जाओ, सुबह उठकर घूमने जाना है। गुड नाइट।
बेचैन हो रही हो अंजलि, तुमको पाने के लिए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं तुमसे ज्यादा बेचैन हो रहा हूँ। I love you अंजलि, I love you। मसूरी हनीमून के लिए सबसे अच्छी जगह है, तुम्हें कैसा लगा? Nice, very nice। यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। आकाश देखो वो बैग कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम्हें अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम कुछ सोच कर रही हो, यहाँ खड़ी क्यों हो? चल अंदर चलते हैं। आकाश मुझे ये अच्छा लग रहा है। अच्छा तो इसे ही ले लेते हैं। हाँ आकाश, वो शख्स मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया। हाँ? तुम्हारे पीछे। हाँ? आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। किसे ढूंढ रहे? क्या बात है? वो कमीना मेरी वाइफ का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। कौन है वो? है कोई, एक बार हाथ लग जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे जाने दो ना, भूल जा। अरे कूल डाउन यार, इतने दिनों के बाद मिले हैं, वहाँ नजदीक में बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं, चल के खाते हैं। फिर कभी आऊंगा प्लीज राज। ओके ओके ठीक है, बाय बाय बाय। मैं देखता हूँ। तुम रुको मैं देखती हूँ। ओके हैप्पी बर्थडे टू यू। राज तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? सॉरी बट आकाश केक शॉप से केक ले रहा था और मैंने उसे देख लिया। अच्छा, अरे तुम दोनों वहीं खड़े होकर बात करते रहोगे या अंदर भी आओगे? अरे बाबा मैं तुम्हारे केक काटने का इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी राज, मैं तुम्हें अपने बर्थडे पे इनवाइट करना भूल गई। ओह, इट्स ओके, बट इट्स फॉर यू। थैंक यू। आ जाओ। मैं उसका जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ जो हर पल मेरे दिल में रहती है। आकाश मैं बिन बुलाए मेहमान बनकर आ गया, आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम राज, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये मेरी गलती है, हम दोनों की गलती है, हम तुम्हें इनवाइट करना भूल गए। बट जब तुम इस पार्टी में आ ही गए हो तो इस पार्टी में और रौनक आ जाएगी। हाँ श्योर, चलो राज चलो केक काटते हैं। या श्योर श्योर। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear Anjali। राज इस केक पे सिर्फ मेरा हक था लेकिन तुमने मेरा हक भी छीन लिया। I'm sorry आकाश।
डोंट वरी अंजलि, अब अपने सुंदर हाथों से केक का एक पीस मुझे खिला दो। और मेरा बर्थडे गिफ्ट? कैसा लगा? बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह और तुम्हारे प्यार की तरह। आई लव यू, लव यू। अब तुम लोग बैठ जाओ, डिनर तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है, डिनर से पहले अगर ड्रिंक हो जाती तो इस पार्टी का मजा दुगना हो जाता। राज, क्या कहते तुम? जैसा सब चाहते हैं कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम खुले आसमान के नीचे बैठेंगे। ड्रिंक का मजा घर में नहीं, खुले आसमान के नीचे आता है। तो फिर तुम चलो, मैं आता हूँ। और मेरे लिए जूस। ओके डियर। राज, अंजलि, तुम दोनों चलो, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ओके ओके, चलो। चीयर्स। राज, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? या, ऑफ कोर्स, प्यार किया है। कौन है वो खुशनसीब? हाँ हाँ राज, बताओ कौन है वो? वो वही लड़की है जिसके लिए मैं दिन रात मरता हूँ, जिसके दिन रात सपने देखता रहता हूँ। पर ये मेरा बैड लक है कि मैं इससे पहले अपने प्यार का इजहार कर पाता, वो मुझसे दूर चली गई। सो सैड। अब वो कहाँ है राज? उसकी शादी हो गई है। मतलब पतंग डोर से टूटकर किसी और की हो गई? इसका मतलब ये नहीं कि वो पतंग फिर से आके मेरे साथ नहीं मिल पाएगी। आई मीन, मैं उसे उसके पति से अलग करके फिर से अपना बना सकता हूँ। राज, मेरा एक सजेशन है। क्या? तुम उसके जैसी दूसरी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ राज, आकाश ठीक कह रहा है। हाँ, कर तो लेता, मगर उसके जैसी कोई है नहीं। ऐसी बात नहीं है राज, उसके जैसी कोई लड़की जरूर होगी ना? नहीं, उसके जैसी और कोई नहीं है। उस लड़की में ऐसा क्या खास है राज? वो बहुत सुंदर है, उसकी आंखों में एक गजब का नशा है। वो जब मेरी तरफ देखती है तो मैं उसकी आंखों में खो जाता हूँ। वो जब हंसती है तो उसके होठों से फूल गिरते हैं। उसकी आवाज शहद जितनी मीठी है, तुम मानो या ना मानो। उसकी बातें सुनने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। उसके जैसी खूबसूरत मुझे नहीं लगता इस दुनिया में और कोई होगी। शी इज अ सिंगल पीस। लेकिन राज, उसकी तो शादी हो गई है, अब वो किसी और की अमानत है। मगर वो अभी भी मेरा प्यार है, कोई भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। वो हमेशा मेरी आंखों के सामने, मेरे दिल में, मेरी धड़कन में, मेरे हर पल में है। उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अंजलि, मैं सच कह रहा हूँ ना? बोलो राज, अगर तुम उससे इतना प्यार करते थे तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं? बैड लक, मैं नहीं कह पाया, इसी बात का तो मुझे आज तक पछतावा है। फिर भी मुझे उसे अपना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भाई, एक लड़की के लिए इतना दीवानापन मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। राज, तुम्हारी प्रेम कहानी तो लैला मजनू, हीर रांझा, इन सब के प्यार से कम नहीं है, बल्कि उन सब से भी कहीं ज्यादा है। ठीक कहा, आजकल इतना प्यार करने वाले कहाँ मिलते हैं। क्या मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता? हाँ करते हो, लेकिन राज की तरह नहीं। चलो डिनर करते हैं। चल ओके राज, लेट्स हैव अ डिनर। चल
अरे बैंड एक्सक्यूज मी यस प्लीज अबे गोगो अबे तू यहाँ यहाँ कैसे आ गया तू एक्सक्यूज मी सर आई एम नॉट गोगो माय सेल्फ इज जोजो कसम मारा क्यों मैं नशे में जरूर हूँ पर फिर भी होश में हूँ समझा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता तू भूल गया तू मुझे सर मैं अपने बाप की कसम खाता हूँ माँ की कसम खाता हूँ ऊपर वाले की खाता हूँ नीचे वाले की खाता हूँ जितने देवी देवता है सबकी कसम खाता हूँ मैं जो जो हूँ कसम फिर से मोड़ दिया झूठी कसम खाता है तू मेरे जैसे दोस्त को भूल गया अपनी दोस्त ही भूल गया ये रेड टी शर्ट तो आप ही है मारा बगल में कौन है ये कौन है अरे बाप रे सलमान शाहरुख की तरह मैं भी फेमस हो गया क्या मेरा भी डुप्लीकेट मार्केट में आ गया क्या बात अब क्यों मारा झूठ झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ बोल रहा है तू मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ पैदा होने से लेकर आज तक मैंने आपका चेहरा कभी नहीं देखा मैं गोगो नहीं हूँ जोजो हूँ तुम्हारी कसम खाता हूँ अपनी कसम खाता हूँ Are you sure? Yes, sir. You are not Gogo. You are Jojo. 111% sir. आपको कैसे भरोसा दिलाऊं? अब अपना ब्लड टेस्ट करवाऊं क्या? आप मेरे यकीन नहीं कर रहे? अरे दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले। चुप हो जा। मुझे तेरी बात पर भरोसा हो गया है। आ गया क्या? बस एक बात याद रख। अगर तू जोजो नहीं, गोगो निकला ना, तो मैं तेरी नहीं 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 गर्दन हाथ से मोडूंगा। बाय गुड बाय। अगर तू आकाश बाबू का दोस्त नहीं होता ना तो तेरे को तो मैं उचक उचक के पटक पटक के मारता। यस एक्चुअली आई वाज गोइंग द रॉन्ग रूट। दिस इज द राइट रूट। प्लीज सर गो गो गो। आई लव यू। ये लोग इतना ज्यादा क्यों पीते हैं? संभाल ही नहीं पाते। Beauty, oh beauty.
याद आती है अंजलि। इतनी याद आने के बावजूद मैं ये बात किसी से कह नहीं पा रहा हूं। अब तुम्हारे बिना एक पल भी जीना बहुत मुश्किल हो गया है अंजलि। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है अंजलि, मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच। मैं तुम्हारे लिए ही तो जिंदा हूं अंजलि, मैं किसी और के साथ तुम्हें नहीं नहीं देख सकता। मैं क्या करूं अंजलि बताओ। तुम बस मेरे पास आ जाओ अंजलि, बस प्लीज प्लीज। नहीं तो तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद को पार कर जाऊंगा। अंजलि आई लव यू, अंजलि आई लव यू, अंजलि आई लव यू, आई लव यू। वाओ, वहां देखो ये जंगल, ये पहाड़, ये सुहाना मौसम कितना सुंदर लग रहा है ना आकाश? हाँ अंजलि, मन करता है कि इस जगह पर तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूं। अरे माँ का फोन आ गया। हेलो हेलो माँ, हेलो हेलो। से नहीं आ रही, बताओ ना। अंजलि, अंजलि, आकाश, 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 ऊपर आ जाओ, वो पेड़ पकड़ कर ऊपर आ जाओ। आकाश आओ, आओ, आकाश कम ऑन, आकाश ऊपर आओ, आराम से, आराम से, आराम से आकाश। आकाश तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या हुआ आकाश, तुम नीचे गिरे कैसे? मैं माँ से फोन पर बात कर रहा था, अचानक पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। जब मैं बचने की कोशिश कर रहा था तब वो गायब हो गया। वो कौन हो सकता है? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? अगर नीचे गिर जाते तो क्या होता? रिलैक्स मेरी जान, मुझे कुछ नहीं होगा। होगा भी कैसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ साए की तरह जो रहती हूँ। बारे में सोच रही हो? अरे तुम उठ क्यों गई? लेटी थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। सच में अंजलि तुम बहुत खूबसूरत हो, और तुम्हारी मुस्कान उससे भी ज्यादा खूबसूरत। जब तुम हंसती हो ऐसा लगता है स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर धरती पर आ गई हो। सच कह रहा हूं, मुझे हर जगह बस तुम ही दिखाई देती हो। अरे अंजलि तुम इधर उधर क्या देख रही हो? अरे अंजलि तुम मुझसे बात करो ना प्लीज, मुझसे बात करो यार प्लीज प्लीज। जानती हो जब तुम अपने घने बालों को हवा में लहराती हो तो जानती हो कैसा लगता है जैसे आसमान में काले बादल छा गए हो और उसके बाद यहाँ बारिश हो जाएगी। यहाँ पे जोरदार बारिश हो जाएगी अंजलि।
किसी और की बीवी को फोन करने में तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता? लेकिन तुम तो मेरी हो ना, तुम मेरी हो अंजलि। कौन 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 हो तुम? सामने क्यों नहीं आते अंजलि? मैं तो हमेशा तुम्हारे सामने आता हूँ, पर कितना है? तुम मुझे पहचान ही नहीं पाती। हाँ, तुम मुझे आखिर क्यों परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे, और तुम भी। I love you, अंजलि। देखो, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। और मेरा क्या? मैं तो खुश नहीं हूँ ना अंजलि। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। लेकिन मैं तुमसे नहीं, आकाश से प्यार करती हूँ। अरे उसका प्यार झूठा है, फेक है। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकोगी। तुम्हारा सच्चा प्यार और खुशी सिर्फ मैं हूँ अंजलि, सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारे कदमों के नीचे मैं दुनिया की सारी खुशियां लाके डाल दूंगा, सारी खुशियां। तुम बस उस आकाश को छोड़ दो और मेरे पास चली आओ अंजलि, मेरे पास चली आओ प्लीज। मैं सिर्फ आकाश की हूँ और जिंदगी भर आकाश की ही रहूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। अंजलि! तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो अंजलि। एट एनी कॉस्ट मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। आई लव यू अंजलि, आई लव यू। अंजलि! आकाश! क्या हुआ अंजलि? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आकाश, आकाश वो शख्स यहीं कहीं है, उसने मुझे फोन किया था। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है अंजलि, देखो तुम घबराओ मत, यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ, ठीक है? जिस दिन तू मेरी पकड़ में आ गया ना, उसी दिन मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। आकाश, तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? क्या उसने तुम्हें मारा? मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। अरे बाबा रुको ना अंजलि, छोटी सी चोट है, तुम घबराओ मत, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आकाश, तुम्हारे शरीर पर छोटी सी भी चोट लग जाए तो मेरी जान निकल जाती है। I love you, आकाश, I love you। तुम मेरी चिंता छोड़ो और जल्दी से चलो, वरना तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा। बेबी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, चलो ना, चलो। भाग कर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा।
सबसे दूर ले जाना है और वो मैं लेके जाऊंगा। Anyhow, at any cost, और कोई भी ना तुम ना और कोई अंजलि को मेरा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। It's my promise to myself. Cheers, Raj. You are going to win. क्या सोच रही हो अंजलि? आकाश, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चलो हम घर वापस चलते हैं। अंजलि, हनीमून पर आए हैं तो इस तरह से वापस आना ठीक नहीं है। मैं हूँ तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मुझे अब तुम्हारी ज्यादा चिंता हो रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा अंजलि, तुम चिंता मत करो। मुझे तुम्हारा और अपना कैसे ख्याल रखना है मुझे अच्छे से मालूम है। अगर वो बदमाश एक बार मेरे हाथ लग गया ना, तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। आकाश, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो अब सोते हैं, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। रात बहुत हो गई है ना, कल मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को किसी ब्यूटीफुल जगह पर लेकर जाऊंगा। कल हम बहुत मजे करेंगे, ओके? तुझे कहाँ रखूँगा?
अंजलि 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 रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं, अभी तो तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का वक्त है, मुझे ढूंढ के दिखाओ। अंजलि 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 अंजलि। अभी मजा आया ना, देखती हूँ मुझे तुम कितनी जल्दी ढूंढते हो। अंजलि तुम कहाँ छुपी हो? देखो अंजलि, तुम मुझे परेशान मत करो। अंजलि कहाँ हो तुम? देखो अंजलि बाहर आ जाओ। ढूंढो मुझे, कुछ देर और ढूंढो, उसके बाद मैं बाहर आऊंगी। अंजलि 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 अंजलि, देखो मुझे परेशान मत करो। अंजलि 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 तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी यार, कोई दुश्मनी नहीं थी, बस तुमने एक गलती कर दी। तुम मेरे प्यार के रास्ते में कांटा बन गए, हाँ, एक कांटा, कांटा। और मैं पागल प्रेमी मेरे प्यार के रास्ते से कांटा निकालने के लिए कुछ भी कर सकता। Sorry, Akash. I'm sorry. I'm really, really sorry. Rest in peace. Bye. Goodbye. Akash, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ चले गए? ओ, समझ गई मैं।
अब तुम मुझे परेशान करना चाहते हो ना? लेकिन याद रखना, मुझसे जीत नहीं सकते। आकाश, कहाँ हो तुम? देखो, मुझे परेशान मत करो, जल्दी बाहर आ जाओ। आकाश, कहाँ हो तुम? बाहर आओ आकाश। आकाश, आकाश, कहाँ चले गए आकाश? कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आकाश, कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे? जवाब दो आकाश। रास्ते से गुजर रहा था तभी तुम्हारी चीख सुनाई दी। आकाश भी कहीं दिख नहीं रहा है और तुम रो रही हो, आखिर बात क्या है? राज, प्लीज हेल्प मी। आकाश थोड़ी देर पहले यहीं था, फिर कहाँ चला गया मुझे कुछ पता नहीं है। ओके 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 ओके, देखो तुम टेंशन मत लो, हम मिलकर उसे ढूंढते हैं, यहीं आसपास होगा, मिल जाएगा। चलो आ जाओ, ढूंढते हैं उसे। आकाश, 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 आकाश। कितना केयरलेस आदमी, एक लड़की को जंगल में अकेला छोड़कर भाग गया है और कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। आकाश, 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 कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? हो सकता है यहीं कहीं खो गया हो। अंधेरा होने वाला है, यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। जंगली जानवर कहीं से भी निकल के हम पे अटैक कर सकते हैं। चलो हम दोनों घर चलते हैं, आकाश जहाँ भी गया होगा लौट के थोड़ी देर में घर ही आ जाएगा। नहीं राज, मैं आकाश को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अंजलि प्लीज समझने की कोशिश करो, शाम हो गई है, यहाँ रुकना हमारे लिए खतरनाक है। चलो चलते हैं, आकाश बच्चा नहीं घर आ जाएगा। चलो कम कम। चिंता मत करो अंजलि, आकाश जहां भी गया होगा घर लौटकर जरूर आएगा। नहीं आया तो हम उसे ढूंढने चलेंगे, जाओ। आकाश बाबू के साथ में गई थी और वापस आई राज बाबू के साथ में। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं होश में तो हूँ ना, कहीं सपना तो नहीं देख रहा मैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। जाके एक काम करता हूँ, एक मस्त छोटा सा पैक मारता हूँ, पैक मारने के बाद दिमाग पूरा काम करेगा। अरे चल चल चल, अरे चल चल, हो गया। आकाश कहाँ चले गए तुम? फोन भी नहीं।
तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? तुम मुझे बताए बिना आज तक कभी कहीं नहीं गए, पर आज मुझे बताए बिना कहाँ चले गए? कहाँ चले गए आकाश? तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। मुझे पता है कि आकाश अभी तक नहीं मिला, तुम टेंशन में होगी और तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो खाना खा लो। मेरी तो भूख प्यास सब मर गई है, जब तक आकाश नहीं मिल जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसे कैसे होगा अंजलि, बी प्रैक्टिकल। तुम अगर नहीं खाओगी तो वीक हो जाओगी, कमजोर हो जाओगी, फिर आकाश को कैसे ढूंढोगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो खाना ही पड़ेगा, मेरी बात मान लो। मैं खाना सर्व कर देता हूँ। रहने दो राज, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। Are you sure? Sure. Okay. अच्छा तो तुम खाना खा लेना, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा, फिर आकाश को मिलकर ढूंढने चलेंगे। ओके ठीक है, गुड नाइट। Raj, congratulations, Raj. Congratulations. Cheers. Cheers, Raj. You have won the match. You have won the match. You are a winner. Yes. You are a winner. I am the winner. Yes, yes, you are the winner. Raj, Raj, जो काटा तेरे रास्ते में था ना, तूने उसे हमेशा के लिए साफ कर दिया। Yes, yes. You have done it. अंजलि, बहुत जल्दी तुम और मैं एक हो जाएंगे, हमारी शादी होगी, हमारा हनीमून होगा, लॉस एंजलिस। तुम जो जो खुशी चाहती हो ना, वो सारी खुशियां मैं तुम्हें दूंगा, मैं दूंगा। यस, आई विल गिव यू। आई हैव वन द मैच, आई हैव वन द मैच, आई हैव वन द मैच, आई हैव वन द मैच। जैसे दिया और बाती, हम तुम हो साथी, रहना है यूं अब हम दोनों को। आंखें मेरी मिलके देखे ये जहां, तेरी बाहों में है जिंदगी। आदत है तू मेरी, चाहत भी तू, तेरे बिना अब कहीं
लागे ना जिया तूने क्या कह दिया हाय तू तो पगला है पिया तुझसे मिले जो नजर फिर हटती ही नहीं। हाँ हाँ सही बात है। आपने इनको कहीं देखा है? जी मैंने तो नहीं देखा है। थोड़ा ध्यान से देखिए। नहीं नहीं मैं नहीं जानता। चलो और कहीं चल के ढूंढते हैं। भैया इनको आपने कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं अच्छे से देख लीजिए। नहीं 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 देख नहीं नहीं सोच रहे हो राज? कुछ नहीं चलो चलो। तुम्हारी मर्जी। ठीक है मैं समझ गया तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो ना, लेकिन जब ये मौका मुझे मिला है तो मैं इस मौके को छोड़ने वाला नहीं हूं। वालों ने बेशर्म। अंजलि मैडम तो अंदर नहीं है। कहाँ चली गई? वो तो मुझे नहीं पता, कुछ देर पहले ही मैडम बाहर गई हैं। बता कहाँ चली गई? अमित लूटा इश्क वालों ने बेशर्म।
किसी लड़की की आवाज आ रही है। हाँ यार। आकाश! तुमने सुना क्या? हाँ हाँ सुना सुना। ए! अबे चलना ढूंढ के बचा। चल जल्दी चल। जाओ। आकाश आकाश कहाँ हो तुम? ए ए उस तरफ से आवाज आ रही है। उस तरफ चल आकाश! जल्दी 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 चलो चलो। आकाश जल्दी करना। भाई साहब आप लोगों ने इनको कहीं देखा है? हमने तो सिर्फ तुम्हें देखा है और तुम्हें देखने के बाद मुझे कुछ कुछ हो रहा है। जंगल में अकेले क्या कर रही हो? राज, ये लोग मुझे। ए भाई, लाइफ में इतनी टेंशन, वैसे ये और टेंशन क्यों दे रहे हो? चलो। ए, तू कौन है बे? तेरा जीजा हूँ बे। दिल्ली का लौंडा हूँ और दिल्ली वाले पटक के मारते हैं। अरे भाई जाओ ना यार। चलो आ जाओ अंजलि। नतीजा देख लिया? अब कभी अकेले मत आना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चलो। लो अंजलि, पानी पी लो, अच्छा लगेगा। राज, आकाश के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अंजलि, आकाश ने तुमसे शादी करके धोखा तो नहीं दिया ना? नहीं नहीं राज, आकाश मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर तुम्हें अकेला छोड़कर वो आखिर कहाँ चला गया? जरूर उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा। अब हमें बिना देर किए पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी होगी। नहीं नहीं अंजलि, हम कोशिश कर तो रहे हैं ना आकाश को खोजने की, थोड़ा और कोशिश करते हैं, शायद आकाश मिली जाए। चिंता मत करो।
अंजलि, थक गई हो क्या? लो पानी पी लो। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, कॉफी पीने चले क्या? सर, ऑर्डर सर? या, दो कॉफी। ओके सर। और की कभी नहीं हो सकती अंजलि, अंजलि। पागल हूं मैं। या तो इश्क की तू मुझे इजाजत दे, या तो इश्क की तू मुझे इजाजत दे, या हाथ से तू सांस भी नहीं ले सकता। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं अंजलि। तेरी इस आशिकी को क्यों ना तू समझ सकी, एक दफा तू अपने साथ चलने तो दे, जो कहेंगी सांसें तेरी से मेरी, एक बार इनको तू मिलने तो दे, सौ जन्मों के बाद ये तू पूछे क्या रज़ा
आपका बिल। भैया जी, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? ये सामने वाली पहाड़ी से 2 दिन पहले गायब हो गए थे। नहीं नहीं मैडम, मैंने इन्हें नहीं देखा, लेकिन 2 दिन पहले इस पहाड़ी के नीचे किसी का कंकाल मिला था। लगता है किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया था। शिट, कहीं वो आकाश तो नहीं? नहीं, मेरे आकाश को कुछ नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है। सॉरी अंजलि, आकाश के अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अब सिर्फ मेरी हो। यस, सिर्फ मेरी। रक्षा करना भगवान। एक ताजा खबर तुम्हें बताऊं अंजलि, इस बार तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर, तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र और हाथ में मेरे नाम का कंगन होगा। तुम थोड़ा जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई प्रॉमिस, आई लव यू अंजलि, आई लव यू। ये देखो, सही टाइम पे सही शख्स ने फोन किया है। मैं उसे याद ही कर रहा था और उसने मुझे फोन कर लिया। हेलो अंजलि। राज, मुझे उस जगह पे जाना है जहाँ आकाश गायब हो गया था। थोड़ा जल्दी आ जाओ प्लीज। ओके अंजलि, तुम तैयार रहना, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। अंजलि भी खोई खोई रहती है, समझती नहीं है। अरे मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ जाएगा? सपने कभी सच नहीं होते, फिर भी तुम्हारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तुम देखना चाहती हो तो देख सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही क्यों, आसपास भी देख सकती हो। गो। आकाश, 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 आकाश। क्यों मारा? राज, तुमने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? आकाश, अंजलि, अंजलि, चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं और जाके ढूंढते हैं। लेकिन रुको, थोड़ा और ढूंढते हैं। नहीं अंजलि, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, मेरी बात मानो, चलो कहीं और ढूंढते हैं। अच्छा चलो। ओ सार, खाने के लिए कुछ दे दो। ओए, जा। आकाश मेरा पीछा कब छोड़ेगा, जब जिंदा था
तब अंजलि और मेरे बीच में आ रहा था, अब मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। यूज़लेस फेलो। तुमने मुझे क्यों मारा? बोलो राज, बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, लेकिन तूने अपने दोस्त को ही मार डाला। बोल, तूने मुझे क्यों मारा? नहीं, मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा, मजबूरी में मारा है यार। तुमको मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। क्या वजह थी बोल, जिसके लिए तूने मुझे मार डाला? बोल, बोलता क्यों नहीं? अंजलि। क्या क्या अंजलि, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी नहीं, प्यार, प्यार करता हूँ। क्या प्यार? प्यार करता है? प्यार करता हूँ उससे, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि उसे पाने के लिए मैंने तुम्हारी जान ले ली। तुम अंजलि को कैसे जानते हो? मैं और अंजलि सिटी कॉलेज में एक ही बैच में एक साथ पढ़ते थे। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, अंजलि मेरी पहली पसंद बन गई थी। ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म नहीं है। होश में आ, वो चली गई है। ए भाई, क्या लड़की है यार, उसे हा? देखने के बाद उससे नजर ही नहीं हट रही। मुझे लगता है इस लड़की ने तुझे पूरा घायल ही कर दिया है। घायल तो नहीं किया, पर ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से प्यार जैसा कुछ हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही। तुझे उससे कहीं पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया? भाई फिल्मों में देखा था पहली नजर में प्यार हो जाता है, यहाँ तो मुझे रियल लाइफ में पहली नजर में प्यार हो गया। पहली नजर में कसला जादू कर दिया। कसला का मतलब? अरे कसला का मतलब है कि कैसा मेरे भाई। अच्छा सुन, कोई टॉस जीत के बैटिंग करे उससे पहले तू ही T20 खेल ले। दिल कब जीतेगा ये बता मुझे। तू देखना गोगी, हैं? बहुत जल्दी मैं अंजलि को और उसके दिल को दोनों को जीत लूंगा। आई प्रॉमिस। Thank you.
अपने दिल की बात क्यों नहीं बोलता है यार? अरे यार, उसे देखते ही मेरा फ्यूज उड़ जाता है, उससे दिल की बात कैसे कहूंगा? अरे लेकिन अंजलि को अपना बनाने के लिए तुझे ये बात तो उससे बोलनी ही पड़ेगी ना। मैं जानता हूँ उसे अपना बनाने के लिए मुझे उससे ये बात बोलनी ही पड़ेगी, पर उसके लिए तो मुझे एक मौका चाहिए होगा ना। एक आइडिया आया। बोल। नहीं रहने दे, इसको मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने पे लगाऊंगा, पट जाएगी। अरे मेरा बर्थडे आज नहीं है। सॉरी, मैं भूल गया था, आज तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लेकिन आज फ्रेंडशिप डे भी नहीं है। तो फिर आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। देन हैप्पी ट्यूसडे। अरे अंजलि, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? क्लास नहीं जाना है? अरे मैं तो भूल ही गई थी, लेट हो गया। चल चल। अरे किस सपने में खो गया तू? हाँ, यहाँ पर तू गुलाब अंजलि को देकर उसे आई लव यू बोलने के लिए आया था ना? हाँ, एक्सक्यूज मी, गुलाब दे। आई लव यू ब्लैक मंकी। दूसरे की बीवी और दूसरे की गर्लफ्रेंड को नहीं देखते, इतना भी नहीं जानते? इडियट। मैं क्या बोल रहा हूँ राज भाई, ज्यादा देर करना अब ठीक नहीं है। तू सीधा अंजलि के पास जा, उसे आई लव यू बोल और अपने दिल की बात बता दे। तो फिर ठीक है, हैं? कल मैं उससे बोल दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। पक्का? 101% पक्का। वाह वाह वाह, ओ मेरे दोस्त। ओके। अबे तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? तू मेरा पक्का दोस्त है, इसलिए मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। इडियट। श्वेता, श्वेता, अंजलि आज कॉलेज नहीं आई। वो तो उसके घर चली गई। घर चली गई? पर क्यों? उसकी शादी होने वाली है। चल रिंकी। ए राज, मुझे लगता है कि तूने अपने दिल की बात अंजलि को बताने में बहुत ज्यादा देर कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं अंजलि, सिर्फ मेरे है, वो किसी और की नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसके बाद जब अपने दिल की बात अंजलि से कहने उसके घर गया, तो वहां मैंने सुना कि अंजलि की शादी हो गई। वो अपने घर पे नहीं थी। उसके बाद मैं तुम्हारे घर भी गया, पर तुम और अंजलि हनीमून के लिए मसूरी चले गए थे। मैं अंजलि को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चला आया और अंजलि को अपना बनाने के लिए मजबूरन, विश्वास करो, मजबूरन तुम्हें जान से मारना पड़ा। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। मैंने अपनी अंजलि की जिस तरह जीते जी कह रखी थी, उसी तरह मरने के बाद भी कह करूंगा मैं। अंजलि और मेरे बीच जो भी आएगा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। Yeah!
आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहाड़ी बाबा की जय। क्या कष्ट है बच्चा? बाबा, एक प्रेत आत्मा मेरे पीछे पड़ी है, कृपया उससे मुझे छुटकारा दिलाइए। मैं देख रहा हूँ वो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है। जी जी बाबा जी, कर रहा है। मेरे सिवा कोई भी नहीं बचा सकता तुम्हें, कोई भी नहीं। ये ले बच्चा, ये भगवान शिव की सिद्ध अंगूठी है, इसे अपने दाहिने हाथ के तीसरी उंगली में पहन लेना, वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहाड़ी बाबा की जय हो। ओम नमः शिवाय। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने पति के गायब होने की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी हैं। अब आप प्लीज जल्दी से उनका पता लगा लीजिए। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पति का जल्दी से जल्दी पता लग सके। ओके जी, थैंक यू। आप कौन? जी मैं राज, आकाश का दोस्त। आप आकाश को कब से जानते हैं? यही बस कुछ दिनों से। ये आकाश को ढूंढने में मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इंक्वायरी के दौरान मुझे आपकी पूछताछ में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, शहर छोड़कर बाहर मत जाना। जी सर, आइए ना। अंजलि, पुलिस यहाँ? और क्या करती मैं राज, आकाश को तलाश करते करते मैं थक गई हूँ। पुलिस की मदद के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया अंजलि। क्या सोच रहे हो राज? वो आकाश के बारे में, पता नहीं कहाँ चला गया, वो जिंदा है या नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं राज, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। मरे हुए लोग वापस कभी जिंदा नहीं लौटते अंजलि। उस आकाश को भूल जाओ और मुझे अपना बना लो। अब मैं ही तुम्हारा दोस्त, प्यार और पति हूं। हाँ राज। हेलो अंजलि। कल के दिन तुम थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना, वो क्या है, कल का दिन बहुत स्पेशल है। स्पेशल? कल तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या बताऊं ना राज, सरप्राइज क्या है ये जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। अंजलि, सरप्राइज बताया नहीं जाता, दिया जाता है, जो मैं तुम्हें कल देने वाला हूँ, तुम बस कल सुबह तैयार रहना। ओके ओके राज। या बाय। लगता है राज को शायद आकाश के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। मेरा मन कहता है आकाश कल मिल ही जाएगा। कल का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा। आकाश, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। I love you आकाश, I love you। ला 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 तो आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर नहीं आ रहा है। अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम, रेडी हुई कि नहीं?
चार दिनों बाद तुमसे मिलने जा रही हूँ, तुम देखना एक पल के लिए भी मुझसे नजरें नहीं हटा पाओगे। तुम मुझे देखते ही पागल हो जाओगे। अंजलि, स्वर्ग की अप्सरा भी तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाएगी। अंजलि, राज मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। मगर राज, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि हमें जाना कहाँ है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये सरप्राइज है और सरप्राइज बताया नहीं जाता, दिया जाता है। I'm damn sure, सरप्राइज देखने के बाद तुम्हारी खुशी दुगनी हो जाएगी। तो चलें। मैं जानती हूँ राज, तुम मुझे आकाश से मिलवाने ले जा रहे हो। अंजलि, चला जाए। चलो चलो चलो। ये तो आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर नहीं आ रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। राज, लगता है ये कोई नया रास्ता है। हाँ अंजलि, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नई राह की शुरुआत होने वाली है। यहाँ सब कुछ नया होगा, तुम देखना अंजलि, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी दुनिया अब सब बदल जाएगी। I promise। राज, मैं भी उस पल का इंतजार करते हुए कल रात भर सो ही नहीं पाई। और मैं भी, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। राज, हाँ? ये कौन सी जगह है राज? हाँ? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अंजलि, थोड़ा सा सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। कम कम जंगल में शादी का मंडप? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। तुम्हें कैसा लगा? अजीब लग रहा है, पर शादी किसकी है? वही जो हर पल रहती है मेरे दिल में, मेरी धड़कनों में और मेरी सांसों में। लेकिन वो कहाँ है? वो यही तो है। कहाँ? मेरे सामने। तुम्हारे सामने मेरे सिवा तो कोई नहीं है। मेरे सामने तुम्हारे सिवा भला और कौन हो सकती है? I love you। ये कैसा पागलपन है राज? पागलपन नहीं है, पागलपन नहीं है, सब तुम्हारे प्यार के लिए, सब तुम्हारे प्यार के लिए। तुम नहीं जानती अंजलि, तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। तुम वही हो ना जो मुझे डराया करता था? हाँ मैं ही हूँ अंजलि, वो मैं ही था। तुमको मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए परछाई की तरह मैंने हर वक्त तुम्हारे साथ रहने की कोशिश की, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमको जब कॉलेज में पहली बार देखा था मैंने, मुझे उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया था, पहली नजर में ही। मैं तुम्हें हद से ज्यादा चाहने लग गया था जब तुम बास्केटबॉल खेलती थी, जब तुम डांस किया करती थी और जब तुम अपने दोस्तों के साथ बातें किया करती थी। मैं सब कुछ देखता था। हाँ, मैं छुप छुप कर सब कुछ देखा करता था। मैंने कितनी बार कोशिश की अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने करने के लिए, पर नहीं कर पाया। और फाइनली जब बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा कि आज मैं अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने कर दूंगा, तो तुम अचानक से कॉलेज छोड़ के घर चली गई। मेरी किस्मत ही खराब थी, अब इस बात का मैं किसे दोष दूं? ऐसा कौन करता है? पढ़ाई करते करते तुमने शादी कर ली, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। जब तक तुम्हारे घर गया, तुम शादी करके विदा भी हो गई थी। फिर मैं उस आकाश के घर गया, वहां जाके मुझे पता चला तुम और आकाश तो हनीमून करने के लिए यहाँ मसूरी आ गए हो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हारा प्यार पाने के लिए, तुम्हारा दिल जीतने के लिए
और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चलाया, यहाँ तक चलाया, मैं यहाँ तक चलाया। तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी किस्मत हो, तुम मेरा भविष्य हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ अंजलि, जान से भी ज्यादा। अंजलि, आई लव यू अंजलि, आई लव यू। तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो चुकी है आकाश और मैं। आकाश, आकाश, आकाश। बहुत सुन लिया उसका नाम तुम्हारी जुबान से, अब तुम्हारी जुबान में सिर्फ मेरा नाम होगा अंजलि, सिर्फ मेरा नाम। भूल जाओ उसे, भूल जा। ऐसे कैसे भूल जाओ, वो मेरे पति था, पति था। वो तुमसे बहुत दूर चला गया है। हाँ, वो कभी वापस नहीं आएगा। राज, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। आकाश मुझसे दूर नहीं जा सकता, वो मेरे पास वापस जरूर आएगा। जो लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं ना, वो कभी वापस नहीं आते। हाँ अंजलि, आकाश दुनिया छोड़ के जा चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा, वो मर चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ अंजलि, वो मर चुका है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। आकाश मर चुका है, इस बात का क्या सबूत है? इन्हीं हाथों से मैंने आकाश को मार दिया। तुमने मेरे आकाश को मार डाला। हाँ अंजलि, मैं आकाश को मारने के लिए मजबूर हो गया था, वो हम दोनों के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हुआ था। और मेरे प्यार के बीच में कोई दीवार हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अब उस आकाश से दूर होकर तुम इस खुले आकाश में आजादी की सांस ले सकती हो। और उससे शादी करके तुम बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा अंजलि, वो खुशियां जो आकाश तुम्हें कभी नहीं दे सका। हाँ, चलो 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 चलो, सुनो, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल कर दिया है। अंजलि, I'm sorry, अंजलि तुम रो तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। प्लीज मुस्कुराओ और अच्छी बच्चियों की तरह आ जाओ मंडप पे बैठ जाओ, शादी कर लेते हैं। हाँ, हमारी शादी के साक्षी होंगे ये पेड़, ये पहाड़, और इनके साथ साथ तुम और मैं। इस पल के लिए, इस दिन के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ अंजलि, तुम नहीं जानती हो। चलो शादी कर लेते हैं। शादी नहीं कर सकती, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। अंजलि, अंजलि तुम कहाँ छुप गई हो, प्लीज बाहर आ जाओ। अंजलि, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है, सामने आ जाओ प्लीज। अंजलि, करने की मुझे इजाजत दे, तुझे प्यार से निहारने की इजाजत दे,
अंजलि, यही वो दिन है जिसका मुझे इस सपने से इंतजार था। केस, केस, चलो शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, चलो शादी कर लेते, चलो अंजलि, प्लीज प्लीज अंजलि, चलो चलो प्लीज अंजलि, चलो छोड़ो मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। इस मंडप में शादी होगी, आज होगी, अभी होगी, यही होगी, और इस शादी को कोई भी नहीं रोक सकता, समझे? अब चुपचाप जाकर मंडप में बैठो, सुना तुमने? बैठो, बैठो। नहीं अंजलि, उस मंडप में मत बैठो। कहाँ है तू? तुझ में हिम्मत है तो सामने आ। तू तो आ भी गया, तुझे एक बार बुलाया और तू चला आया। बढ़िया, फैंटास्टिक। अब तू वहां खड़ा रहकर मेरी और अंजलि की शादी देखेगा। तुझसे जो हो सकता है कर ले। जब तक मेरे पास बाबा की यह अंगूठी है ना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। अंगूठी याद रखना, ये अंगूठी तुझे भूतों से तो बचा सकती है, लेकिन जिंदा इंसानों से नहीं। मैं कोई भूत नहीं हूं, बल्कि मैं एक जिंदा इंसान हूं। मतलब तुम जिंदा हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें मार डाला था। वो जब तक नहीं चाहता, कोई किसी को मार नहीं सकता। तुझे लगा तूने आकाश को मार दिया और आकाश चला गया। नहीं राज, मैं बच गया। तूने मुझे उस दिन मारकर वहीं छोड़ दिया था, लेकिन मुझे बचाने के लिए भगवान ने मेरे पास एक मसीहा को भेज दिया। अरे ये तो जिंदा है, एक वैद्य होने के नाते मुझे इसे बचाना होगा। यहाँ पर कैसे आया? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, मैं एक वैद्य हूँ। तुम पास वाली पहाड़ी के पास घायल पड़े हुए थे, तुम्हारे शरीर से बहुत खून बह चुका था, मैं तुम्हें यहाँ इलाज के लिए लेकर आया हूँ। मेरी अंजलि कहाँ है? अंजलि? कौन अंजलि? वो मेरी पत्नी है। मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में नहीं जानता, वो कहाँ है? मुझे अंजलि के पास जाना है, वो परेशान हो रही होगी। अरे अरे उठो मत, अभी तुम्हारा घाव भरा नहीं है, अभी अगर चलोगे तो तुम्हारा खून फिर से बह सकता है, इसीलिए थोड़े दिन आराम कर लो, उसके बाद तुम चले जाना। आप मेरे लिए इंसान नहीं, भगवान हो। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने तो बस इंसानियत और वैद्य का फर्ज निभाया है। धोखेबाज, तेरे चेहरे से पर्दा उठाने और तेरे मुंह से सच उगलवाने के लिए मुझे भूत बनने का नाटक करना पड़ा। तेरा असली चेहरा सामने आ चुका है। तुझे तेरे गुनाहों की सजा मैं जरूर दूंगा। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा राज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए पहाड़ से धक्का दिया था। तूने ही मेरी गाड़ी खराब की थी ना। तूने ही मेरे सर पर वार किया था ना। तू ही मेरी अंजलि को डराता था ना। तूने ही मेरी अंजलि का जीना मुश्किल कर दिया था। तूने ही मुझे और मेरी अंजलि को अलग करने की कोशिश की।
हाँ? मुझसे दोस्ती की और दुश्मन भी बन गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें और अंजलि को बहुत तकलीफ दी है। मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। आकाश, उसे मत छोड़ना, आकाश, उसे मत छोड़ना, मार डालो उसे। वो जिंदा रहा तो फिर से परेशान करेगा, मार डालो उसे आकाश, मार डालो। I love you, Anjali. I love you, Akash. I love you. I love you so much. Anjali! Akash! तो तू मेरे हाथों से बच गया था, पर आज 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 तू मुझसे नहीं बचेगा। अंजलि और मेरे बीच जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मार दूंगा, मैं मार दूंगा। तेरी क्या बात है, मैं तो पागल हो गया है। तेरी क्या चाल है, मैं तो पूरा हिल गया है। तेरा स्टाइल प्रोफाइल, तू बंदूकों की गोली, तू हंस दे एक बार मेरी मन जाएगी होली। अंजलि पागल हुआ रे,
उसी में महकती है तेरी खुशबुओं में रहता हूँ। तू अजंता की मूरत मन चाहे तुझे छू लूं फिर ब्यूटी ओ क्यूटी तू मेरी है डिजायर। देखूं तुझको तो दिल में लगती है फायर। ओ अंजलि ओ अंजलि तेरे प्यार में पागल हुआ रे। ओ अंजलि ओ अंजलि तेरे प्यार में की मल्लिका हर गीत में ढालू मैं तुझे। तू थॉट है वो दिल का जीना चाहूं मैं तुझसे। तेरा स्टाइल प्रोफाइल तू ट्रेंडिंग है गोरी। तू हंस दे एक बार होगी वायरल अपनी स्टोरी। ओ अंजलि ओ अंजलि ओ अंजलि तेरे प्यार में पागल हुआ रे। ओ अंजलि